हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस रिव्यू में तुम्हें पता चलेगा कि डेडपूल किस पागलपन के साथ चल रही थी। मूवी मैं देख के आया हूँ आज 3 दिन बाद। रिव्यू लेट है, पर तुम प्रॉब्लम मत करो, सब मजे दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं, तो ये पूरी वीडियो स्पॉइलर फ्री होगी, तो डरने की बात नहीं है। तुम्हारा भाई आया है, मुझे पता तुम में से भी कुछ लोग होंगे जो अभी तक मूवी नहीं देख पाए होंगे। कोई नहीं, तुम्हारी हाइप जो है ना वो जगा देता हूँ मैं अंदर से, ताकि मज़ा आ जाए, समझ रहे हो। तो मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑब्वियसली डेडपूल की बकचोदी, वो शुरुआत के सीन से स्टार्ट होती है, और वो जो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड होकर बातचीत करता है डिज्नी फॉक्स अपने अन्नदाता क्रेवन फ्राई की, मतलब जो कि प्रोड्यूसर है, और हर एक बंदे के वो बताता है कि वो कितने अंदर तक घुसा हुआ है केविन फ्राइगे के, ताकि वो कैमियोज ला पाए। और कितने कैमियोज भाई साहब, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैमियोज बिल्कुल। अगर तुमने कोई भी एक्समैन नहीं देखी तो मेरे को सैडली कहना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर नहीं समझ आएंगे। तो इफ़ यू वॉन्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा जो कैरेक्टर है, बट फिर वो तुम्हें कैमियोज नहीं लगेंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें तो तुम्हें मिस करनी पड़ेंगी। बट अगर तुमने कभी भी मूवी सीरीज कॉमिक्स फॉलो करी है तो तुम्हें पता होगा, मूवी सीरीज का फर्स्ट हाफ पूरा डेडपूल के हाथ में होता है, सेकंड हाफ पूरा वुल्वरीन को दे दिया जाता है कि लो, और फिर एंड 15 मिनट में दोनों एक साथ आते हैं। और वो जो पागलपना है डेडपूल का पागलपना, वो जो देखा है मैंने, बहुत ही मजा आ गया। और एक कैरेक्टर है जो मैंने एक म्यूजिक वीडियो में देखा था लास्ट, सेम कैरेक्टर वैसा ही जो था एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन नो वे होम, एक मिरर शॉट था वो अगर किसी को याद हो तो, मैं समझ ही नहीं पाएंगे लोग, बट हाँ स्पॉइलर फ्री रखना तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो डेडपूल्स आते हैं, जैसे कि तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें भाई, तुम्हें मज़ा आएगा मूवी में। बट क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये मूवी स्टोरी के हिसाब से अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ऐसा लिखा ही उसको गया कि विलन का ना कोई मोटिव नहीं है, वो कर रहा है क्योंकि उसको अपना काम से पत्ता झाड़ना है, समझ रहे हो। तो मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि जिनको जल्दी काम करना होता है, ये वो बस एम्प्लॉय है, उसे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 10 लोगों की जान जाती, नहीं मेरे को अपना काम करना है, घर जाना है, ऐसा वाला सीन है उसके साथ, इसलिए वो चीज़ों को ढकेल रहा है, और यही ख़राब चीज़ है। मतलब विलन को अगर थोड़ा भी वो लिखते ना कि हाँ कुछ है उसका भी दिमाग में, नहीं मेरे को जल्दी छुट्टी चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ, वो वाला बंदा ही, यहाँ उसके मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को घर जाकर कुछ काम करना है, नहीं छुट्टी चाहिए, मैं रेफरेंस में बोल रहा हूँ, ऐसा विलन को सही में छुट्टी नहीं चाहिए। और ट्रेलर में हमें जो विलन दिखाई गई उसका तो वो ही नहीं समझ आता कि वो एक बार कभी इधर हो जाती है एक बार उधर हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हैं दोनों विलन्स में थोड़ी कमियां हैं, बट दूसरा विलन टकली विलन जो है वो संभाल लेती है अपने आप को, बस जो मेन विलन है जो कि दिखाया जाता है थ्रू आउट दी स्टोरी, वो अच्छा है ही नहीं, उसको स्टोरी में क्यों लिखा गया और पता नहीं। और जैसे कि अगर तुम जानते हो पीटर को, जो कि डेडपूल का दोस्त है, वो अपने आप को पीटर पूल बोलता है, तो हाँ उसका कैरेक्टर है। और भी चीज़ें हैं, और भी नई चीज़ें, मतलब मैं अगर तुम्हें बता भी दूंगा स्टोरी क्या है, बट तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो जोक्स लैंड होते हैं हिंदी डब को अच्छे से लिखा गया है, मतलब मेरे को समझ आ रहा था कि डिग्रेड हुए हैं कुछ कुछ जोक्स, क्योंकि जो इंग्लिश उसमें है ना वो खुल के बोल सकते हैं, आर रेटेड ये भी है, बट इसमें भी कुछ कुछ शब्द हैं तब भी उन्होंने रोके हैं कि बहुत ज़्यादा गाली भी ना हो जाए, समझ रहे हो। इसलिए तो इस मूवी का सार यही कि अगर बकैती वाली कोई चीज़ देखनी है 2 घंटे तक लगातार, तो तुम्हें ये देखना मस्ट हो जाएगा अभी के टाइम में। और मैंने 3 दिन रुक के ये वीडियो देखी, और मैं आज कह सकता हूँ ये वर्थ इट है कि हाँ मैंने 3 दिन क्या, इसके लिए मैं अगर 13 दिन और रुक सकता तो नहीं, 13 दिन नहीं रुक सकता, ये सच है, 13 दिन और रुकना पड़े तो देखो थिएटर में 4D एक्सपीरियंस के साथ, हाँ 3D में 4D एक्सपीरियंस बढ़िया था, वो थोड़ा फील होती हैं चीज़ें। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया या मैं पसंद आया पर्सनली, तो और वीडियो देखो, जाके एक्सप्लोर करो मेरे चैनल को, और बताओ कि क्या क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। थोड़ा पसीने में ज़्यादा हो गया हूँ, जैसे नहा लिया हूँ मैंने, बट क्या कर सकते हैं, गर्मी और रिव्यू दोनों मिस नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो इतनी थी, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलता हूँ, तो फिर तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वॉइस चैनल पे, आपके ऐसे ही रिव्यू एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहने के लिए मैं यहीं खड़ा रहूँगा हमेशा तट पर, ठीक है। और वो सही में, वो जो मारने मुरने वाली बात होती है वो सही में करते हैं, किसका बड़ा है, किससे बड़ा है, क्या बड़ा है, वो सब तुम्हें डेडपूल ही बताएगा वुल्वरीन के साथ। जाओ थिएटर्स में देखो जाके।